Hey guys, so in today's video, I am going to share my 1 week experience which I spent with these True Wireless Earphones Mivi DuPods M40. आज की इस वीडियो में मैं एक हफ्ते का एक्सपीरियंस आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ. क्या मुझे इसमें अच्छी बात लगी, क्या मुझे इसमें अच्छी बात नहीं लगी, हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. जैसे कि बिल्ड क्वालिटी कैसे है, साउंड की क्वालिटी कैसे है, IPX वाटरप्रूफ कैसा है और भी काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में फुल डिटेल रिव्यू लेके आए हैं. वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है पर एट द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल गेट टू नो यू हैव टू परचेज दिस ईयरफोन्स और नॉट. ट्रू रिव्यू ऑफ दिस ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स. सो स्टे ट्यून्ड. माय नेम इज अरियन, यू आर वॉचिंग यूट्यूबर्स टॉनिक. चलिए शुभारंभ करते हैं. लेट्स पहले बात आती है इन ईयरफोन्स के बिल्ड क्वालिटी की. अगर आप बिल्ड क्वालिटी की बात करें, बहुत ही अच्छी और क्लासिक बिल्ड क्वालिटी देखने मिलती है. और बिल्ड क्वालिटी से ज़्यादा मुझे इनकी जो शाइनिंग है, इनकी जो ग्रेडियंट है, इनकी जो फिनिशिंग है ईयरफोन्स की, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई. और मैं एक खास चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ. काफ़ी सारे ईयरबड्स में एक प्रॉब्लम आती है, जब आप इनको बाहर निकालते हो ये जो लाइट ब्लिंक होती है ये कॉन्टिन्यूसली ब्लिंक होती रहती है. पर इनमें ऐसा नहीं है, इनमें बस स्टार्टिंग में 1 या 2 मिनट या तो वो कुछ समय के लिए ब्लिंक होती है, बाद में पूरी बंद हो जाती है. क्योंकि जब आप इसको नाइट में यूज़ कर रहे हो या कई जगह कोई जगह यूज़ कर रहे हो जहाँ पे आपको लाइटिंग की ज़रूरत नहीं है जहाँ पर, और वहाँ पर ये लाइट ब्लिंक्स होती रहती है. तो ये जो एक फंक्शन है ये भी मुझे इसमें काफ़ी अच्छा लगा. और बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है इन, चाहे आप चार्जिंग केस की बात कर ले या चाहे आप इन ईयरफोन्स की बात कर ले, बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ आते हैं. अगर ये आपके कान से बाय चांस गिर भी जाते हैं, अगर आपका हाथ लग जाए या कुछ और हो जाए, धक्का लग जाए किसी का, अगर बाय चांस गिर भी जाते हैं तो खराब होने के बहुत कम चांसेस है कि जल्दी से खराब होंगे. और 1 साल की तो वारंटी भी इसमें आपको मिलती है. तो आप अगर वैसे भी अगर बिना गिरे भी अगर खराब हो जाते हैं तो आप वारंटी क्लेम भी कर सकते हैं. तो ये एक बहुत अच्छी बात लगी मुझे इन ईयरफोन. अब हम दूसरी चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, इसकी साउंड क्वालिटी. जो साउंड क्वालिटी है वो काफ़ी डिसेंट है, काफ़ी डीप बेस है, अच्छे वोकल्स है और इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन काफ़ी ज़्यादा क्लियर है. और अगर आप और डिटेल में जाए तो जैसा इंडियन यूजर्स को सबसे ज़्यादा पसंद आता है वैसी की वैसी इसकी साउंड क्वालिटी है. बहुत अच्छी डिसेंट साउंड है, बहुत प्यारा साउंड है. और काफ़ी सारे ईयरफोन्स में ये भी प्रॉब्लम आती है कि हमारे कान दर्द देने लग जाते हैं, सर दर्द देने लग जाते हैं आधा घंटा, पौन घंटा या 1 घंटा सुनने के बाद. मैंने इसमें 2-2 घंटे तक कंटिन्यू पॉडकास्ट सुने. आई डोंट फेस अ सिंगल प्रॉब्लम. That's why I love these earphones a lot. बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी है. साउंड क्वालिटी की बात करें, बहुत अच्छी साउंड क्वालिटी देखने मिलती है. चाहे आप पॉडकास्ट सुन रहे हो, चाहे आप वीडियो गेम खेल रहे हो, चाहे आप रैप म्यूजिक सुन रहे हो, चाहे आप डीप बेस म्यूजिक सुन रहे हो, चाहे आप कुछ भी सुन रहे हो, बहुत ही अच्छा बेस और वोकल्स और इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन बहुत अच्छे निकल के आते हैं. तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं IPX5 की. IPX5 की बात करें तो काफ़ी अच्छा IPX5 देखने मिलते हैं. इसलिए बहुत मैंने स्वेटिंग करते वक्त भी यूज़ किया है. काफ़ी टाइम जब मैं ब्रश करता हूँ या फेस वॉश करता हूँ तब भी मैंने यूज़ किया है. पानी लग भी जाता है तो इतना कुछ खास असर पड़ता है. तो इसमें IPX प्रोटेक्शन जो है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है. अब हम चौथी बात कर लेते हैं इसमें कॉलिंग की. कॉलिंग की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है. नॉइस कैंसिलेशन काफ़ी अच्छा देखने मिलता है इस प्राइस रेंज में. चाहे तो आप ये एक क्लिप सुन सकते हैं जो मैंने रिकॉर्ड की थी मेरे एक दोस्त के साथ बात करते हुए. अच्छा और कैसी आ रही है, साउंड बराबर आ रहा है क्या? क्या वॉइस आवाज बराबर आ रही है क्या? हाँ बराबर आ रही. क्यों? अरे मैं बस वो मीवी के चेक कर रहा था. ये आए हैं नए वाले क्या? M40. अच्छा सैंपल रिकॉर्डिंग शूट वीडियो गेम. अब एक और मेजर बात आ जाती है पेयरिंग और डिस्टेंसिंग. कितने हम अगर फ़ोन हमारे से दूर है तो ये कितने देर तक और कितने दूरी तक चल सकता है. पेयरिंग की बात करें, पेयरिंग काफ़ी आसान है. जैसे ही आप इन ईयरफोन्स को इस बॉक्स के बाहर निकालेंगे ये ऑटोमेटिकली पेयर हो जाएंगे, आपका ब्लूटूथ ऑन होगा तो. और हम अगर डिस्टेंसिंग की बात करें तो ये आपको अच्छा खासा डिस्टेंसिंग 10 मीटर का देखने मिलता है. मैं इसको कई बार जैसे कि मैं अपने ये वाले रूम में रख देता हूँ, अगर अंदर चले जाता हूँ किचन में चले जाता हूँ तो भी गाना प्ले होते रहता है. अगर आप डिस्टेंसिंग की बात करें तो काफ़ी अच्छी डिस्टेंसिंग देखने मिलती है, बहुत प्यारी डिस्टेंसिंग है. जल्दी से डिस्कनेक्ट होंगे नहीं, ये बहुत अच्छी. पांचवी चीज़ की बात कर लेते हैं बैटरी लाइफ. बैटरी लाइफ इज ट्रूली वेरी इंप्रेसिव फॉर मी.
ये जो ईयरबड, ये जो कैप्सूल है, ये इन ईयरबड्स को तकरीबन 4 बार फुल चार्ज कर सकता है। और ये जो ईयरबड्स है इनकी है 4 आवर्स का प्ले टाइम एट 70% वॉल्यूम, जो कि काफ़ी अच्छा देखने मिलता है। वैसे भी हम हमें बहुत कम काम पड़ता है कि हम 4 घंटे लगातार ईयरफोन्स और स्पेशली ईयरबड्स को पहने रखें, 1-2-3 घंटे मैक्स टू मैक्स 4 घंटे, 4 आवर्स इज वेरी लीस्ट। सो दीज ईयरफोन्स इन द इस मामले में भी ये फोन काफ़ी अच्छे निकल के आते हैं। और चार्जिंग केस की वजह से बहुत जल्दी चार्ज हो जाते हैं, और ये चार्जिंग केस को तकरीबन चार्ज होने में सिर्फ 2 घंटे लगते हैं, तो इसमें ये फुल चार्ज हो जाता है। तो ये जो एक और बात है वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। एक ड्रॉबैक की बात करूँगा जो मुझे स्पेशली नहीं पसंद आता किसी भी ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स में, जिसमें टच सेंसिंग बटन पर। इसके मुझे दो, एक नुकसान भी एक फ़ायदा भी। नुकसान ये कि अगर आप बाई चांस अगर सेट कर रहे हो, किसी से कॉल पे बात कर रहे हो, आप अगर थोड़ी ईयरफोन सेट कर रहे हो और गलती से अगर यहाँ पे आपकी उंगली रख जाती है, लग जाती है, तो फिर मिस हो जाता है, कॉल कट हो जाता है। ना पोच रहे हो और हल्का सा लग गया तो भी एक गिरने के चांसेस रहते हैं। एक जो इसकी खास बात लगती है और ये टच सेंसिंग की, जो मैंने खुद ने एक्सपीरियंस की, जैसे मैं क्या एक बार खाना खा रहा था गाना सुनते हुए, तो मुझे गाना पॉज करना था क्योंकि मम्मी बुला रही थी, तो मैंने क्या किया, अब बटन्स में कैसे आपको पूरा प्रेस करना पड़ता है, तो इसमें कैसे मैंने इनको कैसे बंद किया, दैट्स प्ले पॉज। एक ये जो अच्छी बात लगती है ये है, और ड्रॉबैक क्योंकि इन दिस वर्ल्ड नथिंग इज परफेक्ट, देयर आर ऑलवेज मेरिट्स एंड डीमेरिट्स इन एवरीथिंग, बट इफ यू जस्ट फोकस ऑन डीमेरिट्स यू नेवर गोना बी हैप्पी, बट इफ यू फोकस ऑन मोर मेरिट्स यू गोना बी हैप्पी। सो this is at last my conclusion is, if you want to buy these earphones and if you are seeking and looking for earphones under this price range of 2500, then these are the best true wireless earphones you can purchase. Link is in my description box, go and buy. Thank you so much.